नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने से इंकार किया। शिवसेना पर जनादेश के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। धर्मगुरुओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक की। अयोध्या फैसले के बाद शांति और व्यवस्था कायम रखने में पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। अमरीका की एक अदालत ने पति या पत्नी को वर्क परमिट देने वाला H-1B वीजा नियम बरकरार रखा। और भारतीय निशानेबाजों ने 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए रिकॉर्ड 15 कोटा स्थान हासिल किए। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाने की घोषणा की है। पार्टी ने ये निर्णय अपने सहयोगी दल शिवसेना का समर्थन नहीं मिलने को देखते हुए लिया है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने आज बताया कि पार्टी के इस निर्णय से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अवगत करा दिया गया है। माननीय राज्यपाल महोदय जी ने भारतीय जनता पार्टी को नया सरकार बनाने के लिए न्योता दिया, लेकिन जनादेश होने के बावजूद भी उसका अनादर करते हुए शिवसेना ने साथ में सरकार बनाने के लिए अनिच्छा व्यक्त की। इसलिए अब हम सरकार नहीं बनाएंगे, यह माननीय राज्यपाल जी को कन्वे करने के लिए यहाँ हम आए थे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अब विधानसभा चुनाव में निर्वाचित दूसरी सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना के एकनाथ शिंदे को राज्य में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। महाराष्ट्र भाजपा की कोर कमेटी ने राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आज शाम राज्यपाल से भेंट की थी। इससे पहले कमेटी ने दो बैठकें भी की थी। राज्यपाल ने विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़े दल के रूप में उभरे भारतीय जनता पार्टी को कल सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया था। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में 21 अक्टूबर को हुए चुनाव में 105 सीटें जीती हैं। राज्य विधानसभा में 288 सीटें हैं और बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए। भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन दोनों पार्टियां मुख्यमंत्री के पद को लेकर अड़ी हुई हैं। राज्य में 13वीं विधानसभा का कार्यकाल कल समाप्त हो गया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र के भाजपा की कोर कमेटी के सदस्यों ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में आज शाम को राज्यपाल से मुलाकात की और कहा कि वे राज्य में सरकार नहीं बना पाएंगे। आज दिन में कोर कमेटी की दो बैठकें हुई, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, राज्य इकाई के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल और वरिष्ठ नेता गिरीश महाजन, सुधीर मुनगंटीवार, आशीष सेलार और पंकजा मुंडे शामिल हुए। भाजपा की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि राज्य में अगला मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं चाहती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार बनाने के पक्ष में है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 52 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राज्य विधानसभा में 81 सीटें हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर पूर्व से और प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा चक्रधरपुर से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में बताया कि उम्मीदवारों के नामों का अंतिम फैसला पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने लिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी 5 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष रामेश्वर उरांव लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना कल जारी की जाएगी। इस चरण में 81 सीटों के लिए 20 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। 18 नवंबर तक पर्चे भरे जाएंगे। 19 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 21 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य में 5 चरणों में 30 नवंबर, 7, 12, 16 और 20 दिसंबर को मतदान होगा। सभी सीटों के लिए वोटों की गिनती 23 दिसंबर को होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं।
हेलो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ, पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढककर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गई? हाँ समझ गई, और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के एक दिन बाद आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में प्रमुख धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। श्री डोभाल के निवास पर हुई इस बैठक के बाद धर्मगुरुओं ने एक संयुक्त वक्तव्य में संकल्प व्यक्त किया कि वे शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी उपायों में सरकार का पूरी तरह समर्थन करेंगे। कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा स्थिति का अनुचित लाभ उठाने की आशंकाओं के बीच धर्मगुरुओं ने लोगों से अपील की कि वे शांति और सद्भाव बनाए रखें। धर्मगुरुओं ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि दोनों समुदायों के करोड़ों भारतीयों ने न्यायालय का निर्णय स्वीकार करने में जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और संयम का परिचय दिया है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम रखने के लिए सभी देशवासियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उच्चतम न्यायालय का सर्वसम्मत निर्णय है और समाज के सभी वर्गों ने इसका स्वागत किया है। समाज ने जिस तरीके से सभी वर्गों ने इसका स्वागत किया और जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया है, उसके लिए मैं 130 करोड़ जनता को धन्यवाद देता हूं। समाज के सभी वर्गों को, समाज के सभी संगठनों को, समाज के सभी वर्गों के रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि सब ने अपना बहुत ही सकारात्मक योगदान किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि संस्कृत में उपलब्ध ज्ञान को संरक्षित करने, इसके संबंध में जागरूकता फैलाने और इसे प्रोत्साहन देने के प्रयास किए जाने चाहिए। श्री नायडू ने आज नई दिल्ली में संस्कृत विश्व सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृत प्राचीन भाषा है, लेकिन ये आधुनिक समय में भी प्रासंगिक और सार्थक है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भारत को जोड़ती है और अधिकतर भारतीय भाषाएं इसी से निकली हैं। प्रत्येक भारतीय भाषा में संस्कृत के शब्द पाए जाते हैं। मलयालम में, कनाडा में, ऐसा बहुत भारतीय भाषाओं में ये संस्कृत शब्द है। संस्कृत वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एज ए बॉडी ऑफ नॉलेज दैट हैज बीन एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू इंडियन फिलोसफर्स एंड थिंकर्स। इट हैज बीन द वाइटल लिंक बिटवीन इंडियन लैंग्वेजेस इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी। मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेज हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि संस्कृत राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है और ये प्रतीक को जोड़ती है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में 21 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने आज गुवाहाटी में पुस्तक कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट के असमिया संस्करण का विमोचन किया। प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन करते हुए श्री गोगोई ने इसे न्याय शिल्प की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक भारतीय न्याय प्रणाली को स्पष्ट करती है। इस अवसर पर उपस्थित असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस पुस्तक को असम में सभी सरकारी पुस्तकालयों में उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में आकाशवाणी और प्रकाशन विभाग की प्रधान महानिदेशक इरा जोशी भी उपस्थित थीं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जारी गोलीबारी में एक आतंकी मारा गया है। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि जिले के विजहारा लेवडारा में आतंकवादियों की मौजूदगी का सुराग मिलने पर सेना, विशेष कार्रवाई समूह और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक संयुक्त दल ने घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया। जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध स्थान पर पहुंचे तो वहां छिपे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी इसका जवाब दिया। अंतिम सूचना मिलने तक दोनों ओर से गोलीबारी जारी थी। सूत्रों ने बताया कि एक और आतंकवादी घटनास्थल पर छिपा हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
ये आकाशवाणी है। अमरीका की एक अदालत ने हजारों भारतीयों को अस्थायी राहत देते हुए ओबामा शासनकाल के उस कानून को निरस्त करने से इंकार कर दिया है जिसमें H-1B वीजा धारकों के पति या पत्नी को अमरीका में काम करने की छूट का प्रावधान है। कोलंबिया सर्किट जिले की अदालत की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को इससे संबंधित मामला निचली अदालत को लौटा दिया। H-1B वीजा एक अप्रवासी वीजा है। इससे अमरीकी कंपनियों को विशेषज्ञता वाले व्यवसायों में विदेशी कामगारों को रोजगार देने की छूट दी जाती है। अनेक अमरीकी कामगारों ने ट्रंप प्रशासन के दौरान इस नियम को चुनौती दी थी। दोहा में 14वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में अंगद वीर सिंह बाजवा ने पुरूषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसी स्पर्धा का रजत पदक मिराज अहमद के नाम रहा। दोनों ने देश के लिए 2 और ओलंपिक कोटे हासिल किए हैं। इस तरह टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय निशानेबाजों ने अब तक रिकॉर्ड 15 कोटा स्थान हासिल कर लिए हैं। ओलंपिक कोटा स्थान हासिल करने के मामले में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नागपुर में भारत ने तीसरे और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को 175 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 4 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 174 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने 62 और लोकेश राहुल ने 52 रन की पारी खेली। श्रृंखला में भारत और बांग्लादेश 1-1 की बराबरी पर हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अबुधाबी में अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन के मंत्री स्तरीय उद्घाटन सत्र में भाग लेने के लिए आज संयुक्त अरब अमीरात जा रहे हैं। ये कार्यक्रम 10 से 12 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। वहां वे मंत्रियों की परिचर्चा में भी शामिल होंगे। उनके साथ अधिकारियों और कारोबारियों का एक शिष्टमंडल भी जा रहा है। श्री प्रधान संयुक्त अरब अमीरात के ऊर्जा और उद्योग मंत्री से हाइड्रोकार्बन और इस्पात क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के बारे में चर्चा करेंगे। विदेशी निवेशकों ने इस महीने में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में निवेश का रुख बनाए रखा है। सरकार द्वारा घोषित आर्थिक सुधारों से बाजार का रुख सकारात्मक है और विदेशी निवेशक भारतीय पूंजी बाजार में 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश कर चुके हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार 1 से 9 नवंबर के बीच विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार में लगभग 6,434 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 5,674 करोड़ रुपए का निवेश किया। बंगाल की खाड़ी से उठा जबरदस्त चक्रवात बुलबुल कल रात पश्चिम बंगाल पहुंचने के बाद आज तड़के बांग्लादेश की ओर बढ़ गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तूफान से पश्चिम बंगाल में 2 लोगों की मृत्यु हुई। भारी बारिश से राज्य के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज सुबह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत की और स्थिति से निपटने के लिए राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चक्रवाती तूफान बुलबुल के कारण मारे गए लोगों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है। उधर बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान बुलबुल से 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 30 घायल हो गए हैं। तूफान से 4,000 से अधिक मकानों के क्षतिग्रस्त होने की भी खबर है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिवस ईद मिलाद उन नबी आज देशभर में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस संदर्भ में मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए गए जिनमें उलेमाओं और धार्मिक विद्वानों ने हजरत मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं की चर्चा की। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। राजधानी में सोमवार और मंगलवार सम विषम वाहन योजना से राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार ने श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर 11 और 12 नवंबर को सम विषम से छूट देने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर आज खराब श्रेणी का रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 281 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने से इंकार किया। शिवसेना पर जनादेश के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। धर्मगुरुओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक की। अयोध्या फैसले के बाद शांति और व्यवस्था कायम रखने में पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। अमरीका की एक अदालत ने पति या पत्नी को वर्क परमिट देने वाला H-1B वीजा नियम बरकरार रखा
और भारतीय निशानेबाजों ने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए रिकॉर्ड 15 कोटा स्थान हासिल किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।